खबर जनपद गाजीपुर से है, जहां एक सनसनीखेज वारदात के तहत बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला नंदगंज थाना क्षेत्र के सहेड़ी गांव का है। बताया जा रहा है कि अतरसुआ गांव के रहने वाले अमरधारी यादव की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर प्रदर्शन खत्म कराया। बताया जा रहा है कि मृतक की हत्या के बजाय दुर्घटना की खबर फैलाई जाने और पुलिस द्वारा भी इस घटना को दुर्घटना मानने से परिजनों समेत स्थानीय ग्रामीण नाराज थे। परिजनों ने पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की आशंका जताते हुए पूर्व प्रधान और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस हत्या का केस दर्ज कर कार्यवाही में जुटी है। गाजीपुर से मोहम्मद साहिद की रिपोर्ट। आज एक सहेड़ी में घटना हुआ है, क्या मामला है सर? थाना नंदगंज पुलिस को ये सूचना मिली थी कि सहेड़ी में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। बहुत स्पष्टता उस समय तक नहीं थी, बाद में ये मालूम हुआ कि गोली मार के हत्या कर दी गई है। परिजनों का आरोप है कि उसी गांव का पूर्व प्रधान और उसके सहयोगियों द्वारा ये हत्याकारी की गई है, और इसमें भी परिजनों द्वारा तहरीर दी नहीं गई है, जैसे ही देंगे इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, दो घंटों तक रोड जाम था, क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, परिवार वालों में थोड़ा सा, क्योंकि जो अभी प्रथम दृष्टया यहाँ मालूम पड़ा है कि जो पूर्व प्रधान है और जो मृतक हैं ये वर्तमान प्रधान जो हैं उनके चाचा हैं, इन दोनों में पुरानी रंजिश चली आ रही है, पहले भी।